इसके बाद नहीं जुड़ेंगे। ये देखो मुशर्रफ भी आ गया, इसको कहते हैं डर। नहीं खैर चलो देखो कुछ पूछ रही है क्या सना? नो सर, कोई कुछ पूछ रहा था अभी? ठीक है देखो, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन कौन सा चीज लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक्चुअली में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल बोलना ज्यादा सही होगा, जो कि हम सब कुछ बता रही है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ठीक है, कैसे देखेंगे आगे। कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, अगर हम बात करें तो, विच आर द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट इमीडिएटली यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब प्लांट के केस में वो कार्बोहाइड्रेट जो कि तुरंत फूड के फॉर्म में यूज नहीं किए तो उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। अभी सना का क्वेश्चन था कि सर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में कोई डिफरेंस है, तो नहीं बाबू, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलकर स्टार्च बनाता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलकर स्टार्च बनाता है। जैसे बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है ना, वैसे ही बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलकर स्टार्च बनाता है। इसका डिफरेंट नहीं है, मॉलिकुलर साइज बड़ा है बस। ठीक है, तो विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जैसे मान लो, अच्छा वैसा ही हम लोग एनिमल के केस में भी करते हैं। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बात भी की हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में। सब लोग फास्टिंग करता है, अभी रमजान आ रहा है, सब लोग फास्टिंग करेगा क्या? ग्लाइकोजन स्टार्च का एक फॉर्म है, यूं बोलो आइसोमर है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन इज एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, फैट बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो अभी अभी फास्टिंग आ रहा है, सब लोग फास्टिंग में होगा, तो फास्टिंग में है मतलब हम फूड एनर्जी नहीं ले रहे। अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी का लाइफ प्रोसेस चल कैसे रहा है? ना बहुत बड़ा सवाल कि अगर हम खाना नहीं खा रहे तो आखिर हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन है वो कैसे कंटिन्यू होगा? सर एनर्जी स्टोर रहता है। बिल्कुल, हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है इसी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देखो तीन पॉइंट बोलेंगे एक्स्ट्रा होगा, जिसमें से एक तुम्हारे सिलेबस का, दो एक्स्ट्रा होगा। पहला, अगर मान लो आप फास्टिंग में है तो सबसे पहले आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है वो यूज होता है, और ये आपको 24 आवर्स तक फूड प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको फूड नहीं मिला तो आपका जो फैट है ना, फैट ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये ऑलमोस्ट 1 वीक तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और तब भी खाना नहीं मिला तब आपके बॉडी का जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा और वो ब्रेक होना शुरू होगा, और ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। मतलब बिना खाए भले कितने ही गंदे हालत में क्यों ना जिंदा रहो, बट आप 1 महीना और 8 दिन अप्रोक्सीमेटली जिंदा रह सकते हो। ठीक है, बिना पानी पिए 2 दिन 3 दिन भी नहीं, बिना खाना का बात कर रहे हैं, बिना फूड की। ठीक है, चलिए ये था यहां तक का बात। आई गेस ये आप लिख चुके हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन, और जो भी हम अंडरलाइन किए वो आप भी अंडरलाइन किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो व्हाट आर द 3 इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट आर द 3 इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली मैं ये सब जो क्वेश्चन हम यहाँ लिखवा रहे हैं ये तुमको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में हम दे देंगे। ठीक है, इस चैप्टर का आज बोलोगे तो आज ही, पहले से मेरे पास बना हुआ है, आज ही दे दीजिए सर। आज दे दीजिए। ठीक है ठीक है, अभी हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिखवा देंगे, और ऐप पे ही हम एक असाइनमेंट के फॉर्म में ये सारा क्वेश्चन डाल भी देंगे। पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेना, याद से अभी याद कर लेना, पढ़ने के बाद सॉल्व कर लेना, ये सब आएगा तो डायरेक्ट आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मेनली फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट होता है। पहला, सनलाइट को एब्जॉर्ब किए क्लोरोफिल के हेल्प से, देख रहे हो। दूसरा, ये जो लाइट एनर्जी हम लोग लिए थे उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं,
light energy is converted into chemical energy and water is splitted to form hydrogen and oxygen. लाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में. और वाटर जो है इसको ब्रेक करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. याद करो तुम लोग को हम पहले या दूसरे क्लास में बताए थे कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग को बहुत बुरा वाला एक नोशन होता है मन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है. बट देखो तुम्हारा एनसीईआरटी साफ साफ लिख के दे रहा है ना, साफ साफ लिखा है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और उससे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, अब देखो जो ऑक्सीजन बना वो तो रिलीज हो गया और जो ये हाइड्रोजन बना था ना इसको यूज करते हैं रिडक्शन में. इट इज यूज इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. रिडक्शन का दो डेफिनेशन था, या तो हाइड्रोजन आप एड करोगे है ना, हाइड्रोजन ऐड करोगे या ऑक्सीजन रिमूव करोगे, तो उसको क्या बोलते थे? रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में. देखो CO2 में जब हम लोग बहुत सारा हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना तो यही कन्वर्ट होता है C6H12O6 में, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. किससे ऐड होकर? हाइड्रोजन. ये कहां से आया? वाटर से. तो वाटर का ऑक्सीजन कहां गया? ये एटमोस्फेयर में रिलीज हो गया. कोई दिक्कत तो बताओ. यही तीन पॉइंट है जो मेन इवेंट्स है. सर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? रिडक्शन याद रखना है. फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्शन. नहीं नहीं नहीं, फोटोसिंथेसिस जो है ये रिडक्शन है. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू फॉर्म ग्लूकोज. एनसीईआरटी इतना साफ साफ तो लिख दिया. देखो रिडक्शन, थोड़ा साफ करके गंदा करते हैं तब दिखेगा. ये देखो रिडक्शन, देख पा रहे हो? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. यहां तक ठीक है? अब सुनो, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है. फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होता है? सर सर दो. हाँ बोलो सर. यानी जो फोटोसिंथेसिस होगा ओनली ग्रीन प्लांट में होगा? हाँ बिल्कुल, ग्रीन प्लांट में नहीं, प्लांट के किसी भी पार्ट में जो ग्रीन हो. ये पूछ सकते थे कि लीफ में होता है सर कि कहीं और भी होता है? तो नहीं, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन प्लांट के उसी पार्ट में होगा जो कि ग्रीन होगा. जैसे तुम कैक्टस देखो, कैक्टस में पत्ता नहीं होता, वहां स्पाइंस होता है, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है. तो कैक्टस में फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है. ठीक है सर. कोई प्लांट यानी दूसरे कलर का तो उसमें होगा? नहीं, सिर्फ ग्रीन पार्ट में. सर प्लांट को ग्रीन कलर उसका क्लोरोफिल पिगमेंट ही देता है ना? हाँ बिल्कुल. अच्छा एक सवाल और, एक सवाल और. तुम लोग तो फिजिक्स भी पढ़ ले, यूं तो हम ये जब नॉर्मल पढ़ाते तो पूछते हैं. जरा हमको बताओगे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस कलर के लाइट में होता है? क्योंकि व्हाइट लाइट सनलाइट आया, बट सनलाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स ना, तो सबसे ज्यादा नहीं बताओ सबसे कम किस लाइट में होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में सबसे कम किस लाइट में होता है? ब्लू या वायलेट में? सब लोग बताओ, जरा सोच के बताओ. फिजिक्स से रिलेट कर दिए हैं. वायलेट सर. वायलेट किसकी तरफ आवाज हो रहा है? कौन टीम चला रहा है? रुको हमको देखने दो. मन्नू कुमार. हाँ मन्नू तुम्हारी तरफ हो रहा है बाबू. ठीक ये बंद करना. हम बंद कर दिए, तुम क्यों बोल रहे हो? मन्नू की तरफ कोई और क्लास भी चल रहा है ना मन्नू? खैर चलो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो. ग्रीन लाइट कौन बोला? सना. सना सना सच में लगता है ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा? हाँ. क्यों? सर लाइट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा? ब्लू में ज्यादा है. तो सबसे कम ग्रीन में होता है ऐसा कैसे कर सकते हो? ये पूछ रहे हैं सर. वेवलेंथ कम होता है ग्रीन का. ये कोई बात हुआ, हम प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कैसे कह सकते हो कि ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है फोटोसिंथेसिस?
इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, हम ये होता है एप्लीकेशन। आप लाइट पढ़े ना, लाइट पढ़ते वक्त हम आपको बताए थे कि कोई कलर हमको क्यों दिखता। मान लो ये या कुछ भी उजला, पीछे में येलो कलर आपको दीवार दिख रहा होगा, बट ये येलो क्यों दिख रहा है, कोई बताएगा क्यों दिख रहा है? सर ये व्हाइट है, येलो कहाँ? अच्छा व्हाइट है, पीछे तुमको दीवार व्हाइट दिख रहा है? नहीं सर, एक सेकंड सर, बाकी कोई भी कलर येलो क्यों दिख रहा है ये बताओ। और ग्रीन पार्ट ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब होता होगा, ग्रीन तो रिफ्लेक्ट हो जाता होगा तभी ग्रीन दिख रहा है ना। मतलब अच्छा वापस से बोलता हूँ, देखो हम ये बोले कि प्लांट में अगर कोई पार्ट आप बोल रहे हो कि ग्रीन है, तो ग्रीन है मतलब कि सारा कलर का लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाता होगा और ग्रीन रिफ्लेक्ट होता होगा, ठीक है यहाँ तक? यस सर, यस सर। तो अगर ग्रीन रिफ्लेक्ट ही हो जाता है मतलब ये कि प्लांट में तो ग्रीन जाता ही नहीं, और अगर प्लांट में ग्रीन नहीं जाता और फिर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब ये कि प्लांट में ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्रीन लाइट को तो प्लांट वापस भगा देता लीफ से, समझे बात? प्लांट के हर वो पार्ट जहां फोटोसिंथेसिस होगा वो ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का है मतलब कि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, अब्सॉर्ब कर ही नहीं रहा, मतलब कि फोटोसिंथेसिस बाकी किसी में भी हो जाए ग्रीन में तो नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट ग्रीन को अब्सॉर्ब ही नहीं कर रहा, और इसीलिए सब बोले सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होता है, ठीक है? अच्छा फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। वापस से बोल रहा हूँ, डे में होता है नाइट में? नहीं, ऐसा नहीं। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, सेकंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में प्लांट क्या करता है कि सनलाइट को लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद डार्क रिएक्शन में उस केमिकल एनर्जी को यूज करके पानी को ब्रेक करता है, या यूं बोलो पानी को ब्रेक नहीं करता, उस केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइट रिएक्शन में दो काम होता है, देखो लिख देते हैं, लाइट रिएक्शन दो काम, पहला कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा काम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दो काम होता लाइट रिएक्शन में, पहला कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी और दूसरा इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लिख लिए सब लोग? जल्दी बोलो, लिखे तो आगे बढ़ेंगे। सर एक बार फोटो और एक बार आपने जो एक बताया लाइट फोटोसिंथेसिस और एक डार्क, वो समझ नहीं आया बोलो। अच्छा रुको रुको रुको, फोटोसिंथेसिस हमको लगा तुम लोग पढ़े होगे बट नहीं पढ़े तो हम अच्छे से बताते हैं। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो काम होता है, पहला जो यहाँ लिखे हुए, देखो यहाँ इधर लिखा दिख रहा सबको, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड वेरी गुड, तो लाइट रिएक्शन का दोनों काम समझ गए, और डार्क रिएक्शन में सिर्फ एक मेन काम होता है, कन्वर्जन ऑफ CO2 into glucose, कन्वर्जन ऑफ CO2 into glucose टू फॉर्म, यस CO2 into glucose ऐसे टू फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो यूजिंग कन्वर्जन ऑफ CO2 into glucose यूजिंग केमिकल एनर्जी
यूजिंग केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड इन यूजिंग केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन. ठीक है हुआ, जल्दी से लिखो फिर हम पूरे को रिलेट करके बता देते हैं एक बार. हो गया? Yes, sir. चलो अब सुनो, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों कभी भी हो सकता. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. लाइट रिएक्शन में जो दो काम हुआ, पहला काम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, या ऐसे और अच्छे से बोले तो लाइट रिएक्शन का पहला काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना. लाइट एब्जॉर्ब हो गया तो फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एक काम. लाइट रिएक्शन का दूसरा काम कि जब आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे उसी वक्त साथ में वाटर को भी ब्रेक कर लिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो काम हुआ. तीसरा स्टेप जो है उसमें एक तो जो केमिकल एनर्जी बनाए थे उसको यूज करते हैं, और दूसरा काम कि जो वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन बनाए उन दोनों को यूज किए. हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं यूजिंग दैट केमिकल एनर्जी फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होता तो बनता है ग्लूकोज. दिक्कत कोई यहां तो बताओ. सर यहां डार्क रिएक्शन में एच प्लस का माइन होता है CO2 तब ना बनाता ग्लूकोज. हाँ बिल्कुल, एच प्लस CO2 से जुड़ता है, रिडक्शन का यही तो होता है. रिडक्शन मींस आइदर हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. अच्छा एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट प्लांट के केस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक साथ नहीं होता, दोनों के बीच में कुछ गैप्स होता है. ठीक है, दिन में लाइट रिएक्शन हो जाता है और रात में डार्क रिएक्शन होता है. कोई दिक्कत यहां तक? लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में आकर होता है. इतना डिटेल में मत जाओ. नहीं, लाइट रिएक्शन एक्चुअली स्ट्रोमा में नहीं होता, ग्राना में होता है, बट इतना डिटेल में मत जाओ, बात मानो. कोई काम नहीं, गलती से भी नहीं आएगा. सर जो एनसीआरटी की एक्टिविटीज है सर, बायो की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है. अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, आ रहे हैं लाइन बाय लाइन, अभी तो बताना शुरू किया. यहां तक ठीक है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं. यस सर. किसी को कोई दिक्कत? सर डार्क रिएक्शन सर बता दीजिए. डार्क रिएक्शन में देखो जो तीसरा पॉइंट है ना, ये देखो तीसरा पॉइंट, ये वाला देख पा रहे हो, ये डार्क रिएक्शन में होता है. अभी ठीक है, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट बनाता है. ठीक है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए होता है वो लाइट रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी बना था ना उसको यूज कर लेता है. ठीक है अभी? यस सर. यस सर. देखो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. देखो ये है लीफ का सबसे अपर लेयर ऑफ सेल, हम एक डायग्राम यहाँ भी बना दे रहे हैं साइड में. सबसे पहले इस लीफ के ऊपर में एक ऐसा सेल्स होता है, ये कंटिन्यूअस होता है. इसके ऊपर एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, इसके ऊपर एक वैक्स लाइक सब्सटेंस, अगर कभी किसी पत्ता को छुए हो तो ऊपर से बहुत चिकना होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस. इसको बोले वैक्सी क्यूटिकल. क्या बोले? वैक्सी क्यूटिकल. इसको क्या बोले? वैक्सी क्यूटिकल. ये जो वैक्स लाइक सब्सटेंस है इसके अंदर सेल होता है, इसको बोलते हैं सबसे ऊपर वाले सेल को, कहीं पे भी जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस. क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. जो लिखा ना एपिडर्मिस, यूं कह लो कि हमारा जो स्किन है ना ये भी सबसे अपर है, अपर लेयर, स्किन के अपर लेयर को भी एपिडर्मिस बोलते हैं. कहीं भी जब सेल का अपर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. आगे सुनो, इस एपिडर्मिस के अंदर में एक ऐसा सेल होता है क्यूबॉइडल. जिसका भी ऑडियो ऑन है उसको म्यूट कर लीजिए.
ठीक है। अब सेकेंड लेयर, इसमें यहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें यहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, और उनके बाद देखो यहां पे कुछ एयर स्पेस है, एयर स्पेस, और देखो नीचे वाले साइड में जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें यहां देखो गार्ड सेल, और देखो गार्ड सेल के बाद बगल में ये स्पेस ओपन है, इसी का नाम है स्टोमाटा। तो एनसीईआरटी कहीं लिखा नहीं था कि स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, बट देखो इस डायग्राम में बताया है। अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूअस है, उसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर ऑफ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, वहां पे कुछ एयर स्पेस भी है, और सबसे नीचे वाले सेल में, सेल के लेयर में गार्ड सेल है, और बीच में ओपन स्पेस का नाम है स्टोमाटा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। डायग्राम से दो चीज बताना चाह रहा है, पहला कि सेकेंड लेयर ऑफ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, सेकेंड लेयर ऑफ सेल में क्लोरोप्लास्ट है, और दूसरा कि लोअर एपिडर्मिस मतलब लीफ के लोअर साइड में गार्ड सेल है और स्टोमाटा है, दो ही चीज वो बताना चाह रहा है। अच्छा एक और पॉइंट, अगर उसको जबरदस्ती से निकालने का मन किया तो ये बोलेगा कि वैक्सी क्यूटिकल का काम क्या है बता दीजिए, तो वैक्सी लेयर है तो मतलब ये लीफ को प्रोटेक्शन देगा वाटर से और मॉइस्चर से, ठीक है। तीन पॉइंट यहां से निकलेगा। चलिए अब इस एक्टिविटी में आइए, ये एक्टिविटी आपको पढ़ना है खुद से, हम बता रहे हैं इस एक्टिविटी में क्वेश्चन कैसे होगा। इस चैप्टर का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये और इसके बाद वाला एक्टिविटी, दो एक्टिविटी, दो ने एक्चुअली में तीन, एक एक्टिविटी 6.4 है, तीन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, 6.1, 2 और 6.4, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें क्वेश्चन क्या होगा मैं बता रहे हैं, विद एन एक्टिविटी सो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, लिख दे रहा हूं। With an activity so that chlorophyll is essential for photosynthesis. आपको ये सिर्फ रीड करना है, एक बार रीड कर लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिए आंसर, यही एक्टिविटी 6.1 होगा। एक बार पढ़ोगे दिक्कत हुआ तो पूछोगे, ठीक है। लिख लिए सब लोग, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, टाइम भी ओवर हो रहा है और बहुत कंटिन्यूड हो गया, क्लास में तो थोड़ा थोड़ा बात भी होता तो थोड़ा दिमाग चालू रहता है, अभी लंबा टाइम हो गया, 2 घंटा होने को है ना, 2 घंटा नहीं पढ़े एक्चुअली में 1.5 घंटा ही। खैर चलो ठीक है, लंबा सेशन हो गया, हटाएं इसको। यस सर, ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा हम बता चुके हैं, स्ट्रक्चर स्टोमाटा का बताया, देखो ये स्टोमाटा है, माउस तुमको दिख रहा ना, मेरा माउस का मूवमेंट दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, यस सर, ठीक है। ये पोर का नाम स्टोमाटा है, उसके चारों तरफ ये जो दो सेल है इसका नाम है गार्ड सेल, गार्ड सेल का ये देखो इनर वाला वॉल थिकर होता है, आउटर वॉल थिन होता है। गार्ड सेल का दो काम, रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ऐसा क्यों होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है ऑस्मोसिस से तब गार्ड सेल ओपन होता है, ऐसे लिख देते हैं, जब हाँ सब लिखा हुआ है देखो, गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर flows into them causing stomatal pore to open, यही लिख गया, the pore closes if guard cell shrink, अब हम लिखे क्या, चलो पूरा हम नहीं लिखेंगे, यही लिखा हुआ है, मिल गया, yes. चलो ये दूसरा एक्टिविटी है, इसको भी क्वेश्चन लिखिए, विद एन एक्टिविटी सो दैट with an activity so that carbon dioxide is essential for photosynthesis, ठीक है, with an activity so that CO2 is essential for photosynthesis। एक चीज हमको जरा बताओगे तुम लोग, स्टार्च को टेस्ट कैसे करते हैं,
स्टार्च को टेस्ट कैसे करते हैं? सर आयोडीन सॉल्यूशंस। वेरी गुड। स्टार्च किसी चीज में होगा और अगर आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करोगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बात को प्रूफ करेगा कि जिस भी चीज को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन मतलब चुपचाप घर में जो नमक है उसको पानी में घोल लीजिए और उसमें अगर आप किसी भी स्टार्ची चीज को रखिएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में। ये इस बात को कंफर्म करता है कि सामने वाले जो भी चीज को आप टेस्ट करो उसमें स्टार्च है। ठीक है, उसी को यूज किया एक्टिविटी 6.1 और 2 में, इसलिए हम बता दिए। खैर, ये आप रीड करेंगे, उसके बाद जो दिक्कत होगा आपसे पूछिएगा। बोलो केओआर दूसरे काम के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये चलो बोल दी तो लिख लो, ऐसे तो हम कुछ बचा के रखे हुए थे कि पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो सीधा टेस्ट में पूछेंगे, बट बोल दिए तो लिख लो। चलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक कंपाउंड है जिसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर, याद रखिएगा नाइट्रोजन भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट used in the synthesis of protein and other compounds. Plant में जो भी protein और उस तरह का compound बनता है, उन सब के लिए nitrogen का बहुत जरूरी role होता है। ठीक है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। ठीक है सर। ठीक है। अब चलिए। आगे मेरा माउस। ये एक बहुत important point। ये जो nitrogen है ना, वो directly absorb नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब इन इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रंग लीजिएगा। नाइट्रोजन यूं तो गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बहुत अवेलेबल है, बट प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ nitrates and nitrites. ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होना चाहिए। है दिक्कत तो बताओ। नहीं, चलिए आज के लिए बस इतना ही है ना, बहुत लंबा सेशन हो गया, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ, रुक जाओ, ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये हम आपको इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं, आप ये पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, ये हो चुका है एक्चुअली हमारा। हाँ बोलो सर। राइजोबियम सारे प्लांट्स में नहीं ना होता है? नहीं, सिर्फ लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स मतलब जो भी पल्सेस होते हैं ना, जिसमें वो नोड्यूल्स हो। हाँ, राइजोबियम उसको बोलते हैं, नोड्यूलस प्लांट, और जो भी नोड्यूलस प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली पल्स फैमिली के होते हैं, पल्स फैमिली उसको बोलते हैं, लेग्यूम्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना? हाँ, वो भी यही करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और प्लांट तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही अब्सॉर्ब करेगा, वो ऐसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा हम आज कोशिश करेंगे, आज बात करके देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल आपको हम ऑफलाइन क्लास में बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी होगा कंफर्मेटरी मैसेज रात में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही जाएगा, उसके पहले ये मत डिसाइड करना कि कल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये गारंटी नहीं है अभी, हम सारा कंडीशन आज देखेंगे। ठीक रहा तो हो सकता है, अगर थोड़ा भी शक रहा तो कल भी ऑनलाइन लेंगे, परसों से ऑफलाइन करेंगे, और नहीं तो कल ही बुला लेंगे। जब भी हमको शक लगेगा हम ऑफलाइन बुलाएंगे, मतलब ऑनलाइन बुलाएंगे, और नॉर्मल लगेगा तो ऑनलाइन करेंगे। अच्छा, ऑफलाइन क्लास होने के बावजूद भी हम पूरा कोशिश यही करेंगे कि मैथ्स वाला क्लास रिकॉर्डेड ही जाए, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा मैथ्स वाले को हम ऑफलाइन ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि उससे होगा क्या कि रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपका थोड़ा लंबा सा पार्ट खत्म हो जाएगा थ्योरी का, जब सर मिलेंगे तो सीधा ऑफलाइन पूछ लेना, और एक बात ये भी होगा कि आप ज्यादा समय तक नहीं रहोगे, कम समय में ही आपका क्लास ओवर हो जाएगा, सिर्फ साइंस रहेगा तो। ठीक है, ठीक है।